हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है 12 तारीख और हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अभी मम्मी कितना शानदार खाना बना रही है, आलू मटर। वाह वाह वाह। और अभी मैं और दीदी निकलने वाले हैं अपने नए घर के लिए, क्योंकि आज लगने वाला है वहाँ पे पर्दा। तो मतलब आज हम चूज करेंगे कि किसके रूम में कौन कौन सा पर्दा लगेगा, उसका क्वालिटी कैसा रहेगा, उसका टेक्सचर कैसा रहेगा। तो बस मैं दीदी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो गाइस अभी हमारा जो मेरे रूम में पर्दा लगेगा वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कवर्ड जिस कलर का है उसी हिसाब से कुछ लगा ले। पापा धूप सेक रहे हैं बैठ के। वाह। तो गाइस मेरा रूम का पर्दा फाइनल हो चुका है कि मेरे रूम में कौन सा पर्दा लगेगा। अभी सनी के रूम का फाइनल करने वाले हैं हम। सनी ने एकदम स्ट्रिक्ट बोला कि भाई मेरे रूम में लाइट ब्लू कलर का लगेगा, अगर कोई और लगाया तो मैं निकाल के हटा दूंगा वो पर्दा। तो सभी रूम का पर्दा सेलेक्ट हो चुका है, 16 तारीख तक लग जाएगा सारा पर्दा। भैया को लेके मॉल में, जहाँ पे हम लोग अपने टाइम पास के लिए आते हैं कभी कभी घूमने के लिए। देखते हैं आज हम लोग कुछ खाते हैं यहाँ पे। पहले हमारे साथ दो भैया हैं, हमारे पारुल भैया, हमारे दीपांशु शांति भैया। चले कुछ खिलाएंगे। चलो, 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 चलो। बड़े दिन बाद आए हैं भैया। आप सभी लोग हमारे म्यूजिक वीडियो में तो देखते होंगे, भैया ढोलक बजाते हैं और पारुल भैया कीबोर्ड भी बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, गाते भी हैं, गाते भी ऑलराउंडर भैया हैं। तो आज क्यों ना थोड़ा एंजॉय करें बाहर। और अम्बाला से आते हैं भैया, बताए इतने दूर से आते हैं हमसे मिलने के लिए। फुल मैं पहली बार ऐसी कोई साड़ी पहनूंगी जिसमें ये भी हो, स्टोन सॉन चमकोंगे अरे पापा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हेलो, पीछे पीछे अरे पापा घूम गए गाइस। अरे पापा कहाँ खो गए थे आप? छोटी थी ना तो मैं दुकान में देखती थी ऐसे ऐसे हारमोनियम, लेकिन वो सुर में नहीं होते थे ज्यादा। इतना सुंदर हारमोनियम हमारे भैया लोगों ने, शांकी भैया ने, पारुल भैया ने मुझे गिफ्ट किया है। कितना क्यूट है ये। तो मतलब वो जो अभी झिकझिक होते हैं ना एरोप्लेन में बड़ा सामान ले जाने की, वो भी नहीं होगी। इसको तो हाथ में पकड़ के ले जाएंगे बेबी हारमोनियम है। तो बेबी तो काफी मजा आया आज का दिन। हमने बर्गर खाया काफी समय बाद, उसके बाद हमने क्या चाय पी आज तो। हाँ मतलब आज ज्यादा खाना पीना नहीं खाया, आज बस हम घूम रहे थे पूरे मॉल में। मैंने भैया को घुमाया और एक साड़ी ली मैंने। एक्चुअली वो साड़ी भी गिफ्ट है, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद से पैसे नहीं खर्च करवाती पापा के, वो लोग ही होते हैं जो मुझे प्यार से साड़ी या फिर ये सारी चीजें। अब देखिए हारमोनियम भी इन्होंने दिया, मतलब ये सारी चीजें लोग मुझे गिफ्ट करते रहते हैं। इसीलिए बड़ा अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा दिन रहा। और अभी हम लोग हमारे घर जा रहे हैं और
एक तबला जो है वो रिपेयर करवाना है, और हमारे अंबाला वाले भैया जो है ना वो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे दुकान है जहाँ पे रिपेयर वहाँ पे करवा देते हैं, तो वो भी चीज होगी। मैं फिलहाल अभी स्पीचलेस हूँ अपना नया हारमोनियम देख के, ये कितना छोटा सा है। राघव वाले मुझे ना ये जैसे छोटी गाड़ी हो गई, छोटा हारमोनियम हो गया, फिर कोई भी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बस अभी अभी मैं बहुत खुश हूँ, अभी बहुत खुश हूँ। क्या बात है, तूने बोला फिरोजी नहीं हुआ तो मैं फेंक दूंगा, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं फिरोजी को लगा दिया। कूल लगता है ना, तो वैसा था नहीं जैसा हम हमें चाहिए था, इसीलिए तो वो सिलेक्ट कर लिया। अभी 5-6 दिन में लग जाएगा वो। उसके बाद हम गए थे आलू चाट ढूंढने के लिए, मिला तो लेकिन आलू टिक्की। तो फिर हम लोग आधा घंटा हम लोग गाड़ी में बैठ के सिर्फ गाने सुने और गाने को एनालाइज कर रहे थे कि देखो ये कितना सिमिलर है ये सब। मतलब हमने आधे घंटे गाड़ी में सिर्फ गाना डिस्कस किया, क्योंकि उधर स्पीकर होता है ना बजा कर। उसके बाद हम सब साथ में मिल के मॉल गए और ऐसे ही घूम रहे थे बस, कुछ ली नहीं। और मॉल में पापा घूम रहे थे, मॉल में पापा घूम रहे थे, घूम रहे थे। हाँ पापा मिल ही रहे थे, पापा बोल रहे थे पापा पीछे देखो हम यहाँ आए हैं। पापा बोल रहे थे कि हम घूम गए, हमें तो पापा घूम बजे किया। जिसके बाद एक साड़ी ली मैंने, उसके बाद सनी ने सब कुछ मिस कर दिया। बर्गर दादी से ठीक हो जा, बस ठीक हो गया थोड़ा कमजोर। चॉकलेट वाला वो पिए, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के व्लॉग में। आज है 13 जनवरी, तो लोहरी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जानते हैं कि हमारे गांव में इस समय क्या क्या होता है। तो मम्मी काफी स्टोरीज बताती है, बचपन से मम्मी काफी स्टोरी सुनाती है कि जब मम्मी छोटी थी तब इस समय पे क्या क्या करती थी नानी माँ। तो मम्मी से जानते हैं, मम्मी बताएं। हम लोग जाते थे सवेरे नहाने धार में माँ लोग के साथ, ठंडा मौसम में। हम लोग एक दिन पहले सब कपड़ा सब वो कर लेते थे जो हमको सुबह जाना है। फिर वहाँ से आते थे तो लाई चूल्लाई ये सब खाते थे, पंडित जी को खिलाना होता था वो मेरी माँ लोग करती थी। फिर बनता है खिचड़ी सब्जी ये सब बनता है, और लोग लड्डू खाते हैं, लाई चूल्लाई घर में बनता है। तो आपने बनाई इस बार लाई चूल्लाई? बनाई हूँ ना चूल्लाई। आप पहले बनाए थे ना, इस दिन में बनाया जाता है। हाँ तो तू लाए नहीं ना कल सामान, गेस्ट आ गए। अच्छा चेंज टॉपिक चेंज कर दिया थोड़े से, मैं भूल गया था कल लाना गाइस। तो मैं आज जाऊंगा, तो आज मैं गुड़ और तिल चूड़ा मुरमुरे ये सब लेके आऊंगा। तो मम्मी आज बनाएगी बढ़िया ऐसा एकदम। वैसे एडवांस में रखा हुआ है, देख लो डब्बा में रखा हुआ है। क्या बात है। तो कल जो दीदी के लिए हारमोनियम आया था इतना क्यूट सा, और मेरे लिए धामा लाए थे भैया, तो कल ना सनी इतना खुश था ना कि रात भर प्रैक्टिस किया है, मतलब बजा बजा के। और उसका तबीयत भी खराब था, तबीयत खराब था, आँख चढ़ गया, अभी थोड़ा सोया हुआ है। सवेरे भी तो बजा ही रहा था, नींद खराब कर दिया मेरा। सुबह उठ गया उसका नींद खुल गया जल्दी, और तबला बजा रहा है वो भाई। थकावट हो जाती है फिर बुखार चढ़ जाता है उससे। तो पापा अभी है हमारे नए घर पे, और हम भी निकल रहे हैं पापा के लिए खाना पीना पैक करके यहाँ से। तो आज गैस का इंस्टॉलेशन हो रहा था, और बाकी जो काम था पापा अपने हिसाब से करवा लेते, सब साफ सफाई पापा करवा लिए। मतलब हमारा इस बार मेहनत बच गया। लास्ट टाइम लॉकडाउन था, कोई मिल नहीं पाया, मतलब कोई भी लेबर नहीं था उस समय पे, कि जो पेंट वेंट का भी गिरा हुआ था वो सब साफ सफाई करने के लिए सब हमको करना पड़ा। आपने तो लास्ट टाइम ब्लॉग में देखा ही होगा, लेकिन इस बार का वो वाला मेहनत बच जाएगा हमारा, क्योंकि लॉकडाउन नहीं है। हाँ पिछले बार तो मैं अलग ही सीन था बिल्कुल, हमने कैसे कैसे करके सारा काम कराया। अच्छा कौन लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं ऐसा कुछ। अरे वो एक लाइन हमको सुना नहीं, हमारे पार्लियामेंट में कुछ
बिल्कुल अच्छा ठीक ठीक सुनाती हूँ। बहुत पर दिल लगा नहीं। थैंक यू। अरे वाह, बहुत 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 मजा आया सुन के। और एक और शख्स है यहाँ से मुझे बात करना चाहते हैं। जी जी जी। अरे मैथिली जी। जी प्रणाम। पहचाना? मैं आपकी आवाज से समझ गई। जी जी बताइए। नाम अभी मैं नहीं बताऊंगी। नरेंद्र मोदी जी। संकोच के साथ क्यों बोल रही हो? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं क्या लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है और बहुत जल्द होगा भी, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी ब्लेसिंग है। नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बोल रहे हैं, मैं रेडियो से बात कर रहा हूँ। ओह बाप रे, मैं बोल रही थी आप। जी 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 मैथिली जी, बिहार के बाद दिल्ली में भी ऐसा ही होगा कि तुम्हें दिल्ली का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा और बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और मैथिली ठाकुर। अरे वाह, अच्छा तो हम अब मतलब ये वाला प्रैंक वाला मेरा ऑडियो चलेगा रेडियो पे, मतलब वाव। मैं लोगों को सुनती थी प्रैंक होते हुए, मुझे लगता था उनको बता के प्रैंक किया जाता होगा। आज मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा। वाव। थैंक यू थैंक यू। तो गाइस आज दीदी की बाड़ी है झाड़ू लगाने की, तो हम नए घर में पहुंच चुके, अपना सब साफ सफाई का काम चल रहा है अभी। दीदी पूरा साफ सफाई कर रही है, करो अच्छे से करो। पिछली बार मुझसे कराया था, आज तुम अच्छे से करो। पहले ये करो, उसके बाद वो अंदर वाला भी कर देना थोड़ा सा, वो भी गंदा है। तो अपना प्यारा सा किचन, चूल्हा भी लग चुका है, गैस भी लग चुका है। मम्मी ने ना तिल मंगाया था, तिल और गुड़, जो कि मैं भूल गया था, तो मैं अभी खरीद लिया हूँ ध्यान से एकदम, कि मैं भूल ना जाऊँ बाद में। यहाँ पे गुड़ है, तिल है। एसी इंस्टॉलेशन करने के वक्त जो भी हल्का फुल्का दीवार में क्रैक आ गया था या फिर निकल जाता है ना जो पीओपी होता है, तो आज पूरा जहाँ जहाँ पे खरोच था सब बढ़िया से प्लेन कर दिया गया है। और बाहर का जो रेलिंग था उसका कलर फेड हो चुका था, तो उस पर भी हम उसी कलर का दोबारा से पेंट करा रहे हैं। तुम अच्छे से काम करो, बात नहीं सुनना तुम्हें किसी का। और मेरा थोड़ा एडिटिंग का काम बाकी था, तो मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ सारा काम। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन तब भी यहाँ पे बस कंप्लीट होने वाला है, बस म्यूज़िक का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है मैं वो ऐड कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। मेरा टिक्की खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आलू टिक्की, तो मैं जल्दी से जल्दी व्लॉग एडिट करके सोच रहा हूँ कि भागो और टिक्की खाने जाओ। हम तो इधर आग तापने के लिए आए हैं, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है।